एक गधा कम हाउस पे घना काम ले, कोई पंचा सीट ला दे, कोई साठ ला दे, कोई मट्टी घड़ी ला दे, अरे उसका के कुछ हाथ नहीं। इव गधे ने सोची भाई ने तो तेने जानते मारे करेगा यू। एक दिन फेंकता है बोरा और भाज गया, अरे जंगल में देखा खरगोश बाज रहे, गादर बाज रहे और दूसरे चीज नोर बाज रहे। उन्होंने बोले समझो भाई के बात है, न बोले तू भी बाज ले, शेर आ गया। न बोले आज तो शेर नहीं देखा, नहीं शेर आया और मरी चंगार शेर ने, और गधा किड़ा खड़ा रहा। शेर ने सोचा तेरी वे बगई तो कुपट्टा रात आ गया। न बोले कौन भाई तू? गधा बोले तू कौन? न बोले मैं शेर, देखी चंगारा था। अनु बोले मैं सवा शेर। नबला सवा शेर क्यों करे? नबला शेर तो बोलू आगे को, समझे भाई? नबला शेर तो बोलू आगे को, पाइया बोलू पाछे को। शेर ने सोचा बतरे था लाचार सोता आ गया, बोर्ड लिया उल्टा। एक पेड़ पर काग बैठा, ओ बोला मामा शेर के बात हो, ये तो कुछ भी सोता कौन कदा है, तो मैं डरपोक। नबला ना भाई लाचार सोता है। काग बोले थे तो ये भी गेर लू मैं ठूंग मर मर के। नबला गेर के दिखा, अरा के काग ने मारी ठूंग, अर गधा भादन के बताए पूंजड़ ठा लिया। काग ने सोचा तू साला किसके पक्ष में ठूंग मार, उसने मारी ठूंग, अर गधा ने पूंजड़ बोच लिया। अरे लावा पाख, ने बोला मामा काट ले। शेर ने बोला बेटे टेप नहीं लिख दिया तो पाई वाला गेर तला फंस लिया है। एक चुटकला तो दर्द हो रहा गया था, ढाई साल हो लिए, तीन मुझसे थे। और जैसे पीछे हमारे यहाँ फ्लड आई, बरसात का मौसम, अलग अलग दिशाओं में बट गए। लगभग एक साल के बाद मिले, उनमें से दो तो अच्छे मोटे ताजे तैयार खिंच, और एक सुकड़ू था वो तो सब तो मोटा था। उसने बोले सुना भाई कहा, बोला अरे के पूछोगे, मौज ली है जमा। एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ था, काजू दाख छुआरे फल फ्रूट और फरीज खुली रहे, जर मेरे कच्चे कटे देख लो कितना मोटा है। बहुत बढ़िया बात भाई। जो दूसरा तगड़ा था उसने बोले तू रब लिया मौज लिया इससे भी घनी। एक बहुत अच्छा जमींदार गया था, गेहूं चने चावल दूध मलाई घी और लापसी के तो ठाठ थे। एक तो सुकड़ू सा था, उसने बोले तू रहने बोले मर लिया रहे। एक पनवाड़ी का थे गया, पान का पत्ता थे जा, सुपारी थे जा, लौंग थे जा, इलायची थे जा, गुलकंद थे जा, रेखा दी बाईश की बीड़ी थे थी। इतने में एक अच्छी चुस्त बिल्ली आई, मारे भाज के चपट्टा, और वो दोनों मोटे मोटे थे गए, और वो पतला सा चिट के ऊपर मंडेरे पर ला के मुछा के मरोड़ी ने बोला हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। सुते सुतेगा भी कीते कीते चक्कर काटेगा। कहीं चारू कलिया में कवि ने के दर्शा दिया, के लिख दिया, क्या बता वाला रखे मन राम बावड़े तेरे ये हो जा सिद्ध काम बावड़े
तदो हीर की साथन थी वो सखन काने ने देख कर कह लगी बोला काने बोला हा बोला करे तुम्हारी हीर और करे तू बोला तेरा इस कदम बहुत दिन बाद का फर्क से बोला किस तरिया बैठा ले सुना रे न्यू का लगी के बोला देखे तेरा इस कदम दिन रात का फर्क से बोला न्यू क्यों करे बोला देखे एक बात का और ध्यान रखिए हमने अब बड़े लादा तो पाली से छाती गला ला और तुझने इस तरह राखिए एक बात के द्वारा वो ठन काने को ताना भी देती हैं और समझाती भी हैं अगर देखे हमने किस तरह पाली से एक बात के द्वारा क्या कहने लगी क्या होता जेवला हाँ न्यू बोली देखे या हीरे बाली से या ते भोली भारी से या हीरे बाली से या भोली भारी से कोई समय काल मत ना करिए I'm not
आपस में बताने लग रहे। कोई बात नहीं, तीन थाने मेरे आपस में बताने लग रहे। मेरे सुनाओ भाई क्या हाल है, भाई कैसा चल रहा है अपने इलाके में, सुनाओ बदमाशों बदमूसा क्या हाल चाल है। एक थाने कह लगे ने बोला भाई हम तो इतने तैनात हैं, हमारा स्टाफ इतना चुस्त और दुरुस्त है, अलबत्ता तो हमारे यहाँ कोई चोरी होती नहीं, और अगर चोरी हो जाती है तो 15 दिन में चोरी बरामद, चोर अंदर और सामान मालिक के घर। कहता बहुत बढ़िया बात भाई। दूसरे थानेदार ने बोले तुम धन्यो बता रहा हम तो ये सारी कार्रवाई सारी एक हफ्ते में कर देते हैं, एक हफ्ते में चोर को सड़क को जेल में ठोक देते हैं। तीसरे ने बोले तुम सुना बहुत पीरा दर्शन साहब। अरे ने बोला ये भी तुम्हारी कोई अचीवमेंट है, हमें तो साला 15 दिन पहले ये पता होता चोरी होगी कहां पे। न बोली हो गाना मन बात कैसा, रूप तेरा खत कैसा,
ज्यादा उम्र की हो पति नादान अवस्था में, जब जोड़ी एक सार नहीं मिलती बड़े एक बात का बड़ा भारी खतरा हो जाता है। कुर्सी का अगले में बताती हूँ, कुर्सी बात का खतरा हो जाता है। क्या कहा तीसरी के लिए बता? कैसे, क्या कहा, क्या बता? जजमान पानी पुणी लाने मरा तो लड़का न बोले की कर पानी तो ला ले न बोले पानी तो तेरी आख्या में भर देना, दो मिनट लागे इतने गजब कही दिक्कत से आई पलेरा ने देखे भाई कोई नहीं बात बनती। उसमें पानी था नहीं, अरे पलेरा ने उस कटोरी में थूक लिया, अरे थूक कर मारे पर उसने बोले के कर रहा तू जमाई देख गया कटोरी में थूक लिया, ने बोला मना तो कटोरी में थूक लिया मरा दादा तो मांस के मुंह पर थूक के डाडी बना था। भाई बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ शाबाश बैठ जाओ। ये भाई प्रोग्राम से रखने बोले मैं डायरेक्ट में पेशाब करके आना था, रहने बोला बड़ा बड़ा लगे कोर्ट में कर दे कोर्ट की जेब में कर दे बड़ा बड़ा, इन्होंने बोला बेरा पिट गया तो इन्होंने बोला बौड़ी पूछ है मन ने तेरा कोर्ट की गोज में करे जब तुमने बेरा पिटा। आज भरण की प्यारी होली याई बका बैल मनेरी और जात भरण की प्यारी होली
सुचे बोल कहे के कुत्ता क्रिया क्या तू करुमान सिंगला देख जानते घाट हो गए कुछ फलट आ गई और एक जजमान आ गया न बोले पले राम भाई मैं अड्डे पे गया था और उड़ा तो बोले उड़ाडी बनानी कौन पाया तू शायद दिन बोले हो आज वह तारे उपर ते जमा खुंडे हो उतरे और ने कुरके ने बोले ले बैठ जा जजमान पानी पुणी लाने मरिया धड़का बोले रे की कर पानी तो ला ले बोले पानी तो तेरी अखिया में घट जाना दो मिनट लागे इतने गजब कहीं दिक्कत से आई पले राम ने देखा भाई कोई नहीं बात बनती उसमें पानी था नहीं अरे पले राम ने उस कटोरी में थूक लिया अरे थूक कर मरे पर उसने बोले के कर रहा तू जमा देख गया कटोरी में थूक लिया ने बोला मना तो कटोरी में थूक लिया मरा दादा तो मांस के मुंह पर थूक के दाडी बना दा। भाई बैठो बैठ जाओ शाबाश बैठ जाओ क्या भाई प्रोग्राम से थानू बोले मैं हरेक में पेशाब करके आना था तेन बोले बराबर लगे कोर्ट में कर दे कोर्ट की जेब में कर दे बराबर इन्हें बोले बेरा पिट गया तो इन्हें बोला बोली पूछ है मन ने तेरा कोर्ट की गोज में कर जब तुमने बेरा पिटा आज भरण की प्यारी होली याई बका बैल मनेरी और आज भरण की प्यारी होली बका बैल मनेरी मंगवाना सो मंगवा ले या दूला चीज बतेरी
मुल्क में खान पीन की चीज बात सी हो और किसे मुल्क में कम फरसाई उद्घाटन खाते रणवीर बुला लिया। 11 बजे का टाइम था, 1 बजे रणवीर पहुंचे नहीं। मैं भी उड़े बैठा था, बड़ी चिंता हुई। 1 बजे उनका ध्यान आई कि भाई दुकान से मुहूर्त कराना, उद्घाटन कराना, तो फीता भी चाहिए रिबन और कैंची भी चाहिए, रिबन भी पा गया। फिर दुकान वाला छोरा ने बोला, मास्टर जी पत्ता के लगे तुम्हारे तो। मैं कहा ना भाई, बोला जी कैंची तो देखा भी को नहीं लेनी पड़ेगी। मैं बोला तुम तो बोली बूझ रणवीर बुला, तुमने बड़वा छिया। मगर पाले ना इन्हें बुलाओ, कैंची उस तरीके ले लेके आवे। मगर
शीशा सूत बैठा के एक एक छोरा था और वह बुढ़िया भी शादी थी अरीसा सूत बैठा और छोरा भी गणाय सादा जान गया। जब वो ब्याहन जोगा होया सखाइया देख कट रहे ऊंचा जोकर डाक छतरी देख कर जाया करे वह बुढ़िया मानस मानस आके सिफारिश लावा पाले नाई धोरे भी मेरे छोरे ने बेवा देने मैं देखूंगा आन दे कोटरी में देखूंगा मगा। ईसा सूत बैठ गया गांव में एक झगड़ा सा था और थानेदार आ गया गेल और दो सिपाही बाबू डिया ने बढ़िया बेटा कहा मेरे छोरे इंडराज ने ब्याह करवा लेते एक का छोरा रे अरे ब्याह जा तो मारी बंश बेल चल जाएगी। एक दरोगा साहब ने कुछ मेर सी आ गई कल आ गया ताई कित जा रहा है मैं शन लेके जा रहा है वो झगड़ा निमटा गए और इन्हें बोला ताई तू दूर तो बता दिए कि ठीक से बुढ़िया एक किला दूर तो नहीं बोलिए वो बाढ़ रहा जवार में मैं इवा बुढ़िया रहेगी पाछे ने अर्द्रोगा साहब बुढ़े पहुंचे जाकर दो मारे खुदा रहे आराम जाते तेरी बाप की जवार है क्यों बाढ़ रहे यार कल ला गया जी बड़की कोई बात ना के नहीं चल तेरे को बंद करेंगे बोला ना जी ने बोला ना तो ब्याह करवा ले अगजिले देख लूंगा ब्याह के नाम का लेके हाथ के पहले बंद दिया करता कांगना इव दवाई को दो तीन घंटे में सारे काम हो ले हर वो अगला काम भी आन हो चार पांच पहले हाथ के कांगड़ा बंधा करता पैर के राखड़ी सारे काम हो रहे को टाइम ईसाए था और जब उन्हें सोची भाई तब बंद गया तू चली गई जने पे जाको बारोटी हुई और फेरा के नाम के जब बैठे तो थोड़ी आन पाछे पंडित जी कन्या को लाओ इब कन्या भी बैठा दी और वो पाछे तो पल्ला बांधन के नाम का वो काढ़ा पटका तो कन्या का दी गया ओड़ापा उसका वो बंदरी बाज इतनी ही और खवा मार के बोला जी जी तेरी भी सवार में महेश बिड़की थी दवाई भी कहना चढ़ा गया दवा महेश बिड़ जाएगी तो गया